नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं सुप्रिया मिन्हास। बीते दिनों जहां एक तरफ हमने आपको दिखाया था कि हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए थे, तो वहीं अब खबर ये आ रही है कि लाखों के दिलों पर राज करने वाली सपना चौधरी के लाइव शो में मात्र गिने चुने फैंस ही पहुंचे। बता दें कि सपना ने रविवार को बिंदास कला मंच की ओर से देहरादून के विकास नगर में जीवनगढ़ के एक वेडिंग पॉइंट में आयोजित कार्यक्रम में जमकर ठुमके लगाए। लेकिन समारोह के दौरान आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रहने की वजह से सपना चौधरी का क्रेज कुछ कम दिखा। एक घंटे तक चले इस कार्यक्रम में सपना ने 8 गीतों पर परफॉर्मेंस दी, जिसकी शुरुआत एक हो गए हम और तुम गाने पर डांस की हुई, जिसके बाद समारोह में मौजूद युवाओं के रुख को भांपते हुए सपना ने हम्मा हम्मा और बाकी हरियाणवी और पंजाबी गीतों पर भी जमकर ठुमके लगाए जो दिल को छू गए। सपना की परफॉर्मेंस को देखने के लिए जिसे जहां जगह मिली वो वहीं बैठ गया। घरों की छत और सड़कों पर खड़े होकर भी लोगों ने सपना का लाइव शो देखा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस सपना चौधरी के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ की वजह से बवाल मच जाता है, तो वहीं उसके कार्यक्रम में अगर कुर्सियां खाली रह जाएं तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। तो हम आपको बता दें कि शो की टिकट महंगी होने के कारण लोग नहीं आ पाए और कम ही लोग इसमें शामिल हो पाए, जिसकी वजह से सपना चौधरी का लाइव शो फ्लॉप साबित हुआ। हालांकि उनकी दिलचस्प अदाओं ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। समारोह में सपना ने कहा कि उन्हें जब तक दर्शकों का यूं ही प्यार मिलता रहेगा वो इसी तरह से थिरकती रहेंगी। सपना ने बताया कि आज वो जो कुछ भी हैं इस सफलता के पीछे उनकी माँ और उन्हें चाहने वालों का हाथ है। साथ ही सपना ने ये भी कहा कि उन्हें स्पष्ट बोलने वाले लोग पसंद है, जिनकी जुबान काली होती है और जो लोग कड़वा बोलते हैं वो मन के साफ होते हैं। वेल, अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही एंटरटेनमेंट की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।